मिनट करीब 18 लाख कमाने वाले, अपने एक ट्वीट से पूरे स्टॉक मार्केट को हिलाकर रख देने वाले दुनिया के सबसे अमीर आदमी टेस्ला और स्पेसएक्स के मालिक इलॉन मस्क आजकल खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। एक तरफ कल जब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन टेलीप्रॉम्प्टर से भाषण पढ़ते, रिपीट द लाइन, यानी लाइन दोबारा पढ़ो भी बोल गए, तो मस्क ने उनका मजाक उड़ाने का मौका नहीं छोड़ा और कहा कि जो टेलीप्रॉम्प्टर कंट्रोल करे वही असली प्रेसिडेंट। तो दूसरी तरफ महीनों से होल्ड पर चल रही ट्विटर के साथ अपनी डील को तोड़ने का ऐलान कर दिया। नमस्कार, स्वागत है आपका जी न्यूज डिजिटल पर। मैं पलक यादव आपको बताऊंगी कि इलॉन मस्क ने ट्विटर को खरीदने की आखिर डील क्यों तोड़ी। हाल ही में हम सबको ये लगने लगा था कि ट्विटर के मालिक अब इलॉन मस्क होंगे। ट्विटर पर फ्री स्पीच का सपना लेकर आए इलॉन मस्क ने अप्रैल में ट्विटर को खरीदने की और उसे प्राइवेट बनाने की बात कही थी, मगर $44 बिलियन की ये डील कल टूट गई। जी हाँ, इलॉन मस्क ने ट्विटर को खरीदने से मना कर दिया है। इस डील से पीछे हटने के बाद ट्विटर अब मस्क पर मुकदमा करने की तैयारी में है। जरा दोनों पक्षों की बात जानते हैं, मगर उससे पहले ट्विटर के चेयरमैन ब्रेट टेलर का ये ट्वीट देखिए। टेलर ने कहा कि ट्विटर का बोर्ड मस्क के साथ तय की गई टर्म्स और प्राइस पर लेन देन करने के लिए कमिटेड है और जरूरत पड़ने पर लीगल एक्शन भी लेने के लिए तैयार है। हमें विश्वास है कि डेलावेयर कोर्ट ऑफ चांसरी में हम जरूर जीतेंगे। मस्क का आरोप है कि ट्विटर ने उनके साथ धोखा किया, फरेब किया और ट्विटर पर फेक, स्पैम या बॉट अकाउंट्स का असली आंकड़ा नहीं बताया। मस्क का मानना है कि डील करते समय ट्विटर ने उनको बताया कि प्लेटफॉर्म पर ऑटोमेटेड या बॉट अकाउंट्स 5% से कम है, मगर टेस्ला के सीईओ मस्क को इस बात पर शक हुआ। उनका मानना है कि यह आंकड़ा 5% से कहीं ज्यादा है, तो उन्होंने ट्विटर को इसका प्रूफ देने को कहा। मस्क ने यह भी आरोप लगाया कि ट्विटर ने बिना किसी बातचीत के अपने बिजनेस करने के तरीके को भी बदल दिया। बहुत से सीनियर लीडर्स को ट्विटर ने फायर किया और नई हायरिंग पर रोक लगा दी। मस्क के हिसाब से मर्जर अग्रीमेंट का ये मटेरियल ब्रीच था। वहीं दूसरी तरफ ट्विटर का कहना है कि जब मस्क ने स्पैम अकाउंट्स के सही आंकड़ों की जांच पड़ताल की मांग की, तब ट्विटर ने उन्हें कहा कि आप रोज होने वाले ट्वीट्स के रॉ डेटा का एक्सेस ले लो, उससे असली और नकली अकाउंट्स का साफ साफ पता चल जाएगा। हालांकि ट्विटर सही आंकड़े अभी तक नहीं पेश कर पाया है। ट्विटर इस डील को पूरा करने की हर कोशिश में जुटा हुआ है। यहां तक कि जैसा हमने शुरुआत में बताया, ट्विटर मस्क को कोर्ट में घसीटने के लिए भी तैयार है। दरअसल ट्विटर और मस्क की डील के अनुसार अगर कोई भी पार्टी इस कॉन्ट्रैक्ट या डील को ब्रीच करने या तोड़ने की कोशिश करती है तो उसे $1 बिलियन का मुआवजा देना होगा। यानी अगर इलॉन मस्क इस डील को तोड़ते हैं तो उन्हें $1 बिलियन की पेनल्टी ट्विटर को देनी होगी। लेकिन अगर मस्क के आरोप सही साबित हो जाते हैं तो ट्विटर स्पैम अकाउंट्स का सही आंकड़ा नहीं बता पाता है तो पासा उल्टा पड़ सकता है। जरा जल्दी से इस पूरे मामले की टाइमलाइन पर एक नजर डालते हैं। 4 अप्रैल को इलॉन मस्क ने ट्विटर में 9% स्टेक खरीदा। 5 अप्रैल को उन्होंने कहा कि वो ट्विटर का बोर्ड ज्वाइन करेंगे, मगर 10 अप्रैल को उससे मना कर दिया। 14 अप्रैल को मस्क ने $54 पर शेयर खरीदने का ऑफर रखा, जिस पर ट्विटर ने मंजूरी दे दी। 29 अप्रैल को मस्क $44 बिलियन की डील को फाइनेंस करने के लिए $8 बिलियन के टेस्ला के शेयर्स बेच देते हैं। 11 मई को ट्विटर के को फाउंडर जैक डॉर्सी कहते हैं कि वो वापस सीईओ नहीं बनेंगे अगर मस्क ने टेक ओवर किया। 13 मई को मस्क स्पैम अकाउंट्स के पेंडिंग रिव्यू का हवाला देकर डील होल्ड पर रख देते हैं। 26 मई को ट्विटर मस्क को स्यू कर देता है स्टॉक मैनिपुलेशन के आरोप लगाकर। 6 जून को मस्क कहते हैं कि स्पैम अकाउंट्स का सही आंकड़ा बताओ नहीं तो डील तोड़ दूंगा, और 8 जुलाई को मस्क डील तोड़ने का ऐलान कर देते हैं। शुक्रवार को जब टेस्ला और स्पेसएक्स के मालिक इलॉन मस्क ने ट्विटर के साथ डील तोड़ने का ऐलान किया तो ट्विटर के शेयर 6% तक गिर गए, हालांकि वो बाद में 5% हो गया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि टेस्ला के शेयर 1% बढ़ गए। दोस्तों, मस्क ट्विटर को प्राइवेट बनाना चाहते थे। उनका सपना था स्पैम अकाउंट्स हटाकर इस बिजनेस में वैल्यू ऐड करने का और इसे एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने का जहां हर कोई बिना किसी पाबंदी के अपनी बात को रख सके। मगर आज इसी स्पैम अकाउंट्स के आंकड़ों की प्रॉब्लम इस डील को खत्म करने का कारण बन गई। अब देखना यह है कि मुकदमा कितना लंबा चलेगा, इसमें किसकी जीत होगी, किसे मुआवजा देना होगा और क्या मस्क ट्विटर के नए मालिक बनेंगे। आज के लिए बस इतना ही, और ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए जी न्यूज़ डिजिटल।